Let's unbox. पहला प्रोडक्ट है वी शेप्ड माउंट ब्रैकेट। ये कहाँ यूज होता है? ये सिनेमाटोग्राफर्स यूज करते हैं जब उन्हें लो लाइट में शूट करना होता है। एक साइड पे वो लाइट माउंट कर सकते हैं, दूसरी साइड में वो माइक माउंट कर सकते हैं। लेकिन मैंने इस पर्पस के लिए इसको नहीं मंगवाया। मुझे एक प्रॉब्लम आ रही थी, मैं टोकिना 1628mm यूज करता हूँ जब मैं अपने लेंस को ऑटो फोकस मोड पे रखता हूँ ड्यूरिंग वीडियो मेकिंग। ये जब फोकस करता है तो इसमें काफी मोटर की नॉइस आती है जो मेरे माइक में कैप्चर हो जाती है, तो फिर यूजली मेरे को मैनुअल फोकस में ही रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं अपना माइक यहाँ हाइट पे लगा दूँ तो हो सकता है कि मेरे ऑटो फोकस मोटर की आवाज़ कम रिकॉर्ड हो। तो मैंने अभी तक इसको टेस्ट नहीं किया, तो अभी हम टेस्ट करते हैं। अभी मेरा माइक नॉर्मली हॉट शू पे माउंटेड है। ये अभी ऑटो फोकस ट्रैकिंग ऑन की हुई है, ये मेरे को ट्रैक करेगा। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये काफी साउंड को कैप्चर कर रहा है। तो हम इसको माउंट करते हैं और माइक को यहां पे प्लेस करते हैं तो देखते हैं कि मोटर की साउंड आती है या नहीं। अब मैंने माइक को अपने वी माउंट ब्रैकेट के ऊपर माउंट कर दिया है और मेरे को बताओ कि ऑटो फोकस की अब साउंड आपको सुनाई दे रही है नहीं। मैं तो अभी जब एडिट करूंगा तभी मेरे को पता लगेगा। मुझे कमेंट करके बताओ कि मेरे ऑटो फोकस मोटर की आवाज़ नॉर्मल माइक माउंटिंग में ज़्यादा थी या जब मैंने वी माउंट को माउंट किया उसमें ज़्यादा थी, या दोनों टाइम बराबर ही थी। मुझे लग रहा है कि शायद आवाज़ का कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा होगा। कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो लाइट और माइक एक साथ माउंट करना है तो ये बहुत अच्छी एक्सेसरी है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है जूम H1N रिकॉर्डर। Zoom H1N Recorder is very useful in voiceovers. अगर आप एक content creator हो, YouTuber हो और आप B-roll बहुत बनाते हो, B-roll की sound designing के लिए भी ये बहुत helpful होता है। वैसे तो आप sound effects काफ़ी free वेबसाइट से आप download कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कोई specific sound effect चाहिए वो आपको external recorder की help से ही record करना पड़ेगा। जो आपने मेरा first clip देखा था जिसमें मैं room में आया, उसके साउंड इफेक्ट्स भी मैंने जूम H1N रिकॉर्डर से ही रिकॉर्ड किए हैं और ये वाला जो वीडियो है इसमें सारे साउंड इफेक्ट्स इसी से रिकॉर्ड किए हैं। डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट ए स्पॉन्सर्ड वीडियो। ये मैंने खुद अपने लिए परचेज किया है, मुझे किसी ब्रांड ने किसी कंपनी ने स्पॉन्सर नहीं किया, तो आप ये मत समझना कि कंपनी ने मेरे को दिया है। आई परचेज दिस फॉर माई सेल्फ। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो यू शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट ऑन एन एक्सटर्नल रिकॉर्डर। फाइनली कॉफी आई है तो एक कॉफी तो बनती है, सो लेट्स मेक कॉफी रियल क्विक, राइट?
कॉफी का तो मजा आ गया। और मैंने एक वीडियो बनाया था चीप लाइटिंग सेटअप DIY, वीडियो का लिंक आपको यहां मिल जाएगा। उसमें काफी लोगों के मेरे को मैसेजेस आए कि एक्चुअल में लाइट को माउंट कैसे करना है। वैसे तो ये बहुत इजी है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसका ब्रेकडाउन करूंगा, आपको क्या क्या चाहिए, कैसे आप कोई भी लाइट स्टैंड पे माउंट कर सकते हो और अपने वीडियोस को बहुत अच्छा बना सकते हो। लाइट को माउंट करना बहुत ही इजी है। हमें चाहिए ये सब सामान। लाइट को माउंट करने के लिए चाहिए फ्लैश अडैप्टर, क्वार्टर इंच माउंट अडैप्टर स्क्रू और हॉट शू अडैप्टर। सबसे पहले हम क्वार्टर इंच माउंट अडैप्टर स्क्रू को फ्लैश अडैप्टर के बीच में फिट करेंगे ऐसे। इसको बीच में फिट करने के बाद नीचे वाला स्क्रू को टाइट कर देंगे ताकि ये अपनी जगह से हिले ना। हम लाइट को दो तरीकों से माउंट कर सकते हैं। अगर आपके लाइट के हैंडल में ऐसा गोल स्क्रू होल है तो हम इसको अपने क्वार्टर इंच स्क्रू को बीच में डाल के ऊपर से ये वाला नट टाइट कर देंगे। और दूसरा तरीका है, हम हॉट शू अडैप्टर लेंगे और इसको क्वार्टर इंच माउंट अडैप्टर के ऊपर टाइट कर देंगे। इस हिस्से में लाइट आएगी। जब लाइट हम इसको यहाँ पर फिट कर देंगे और उसके बाद ये स्क्रू टाइट कर देंगे। हॉट शू अडैप्टर को ऐसे लाइट के हैंडल के साथ फिट करके उसको किसी इंस्ट्रूमेंट से टाइट कर दो। मेक श्योर ये अच्छी तरह टाइट हो जाए। अब लाइट अडैप्टर को हम आराम से लाइट स्टैंड के ऊपर लगा सकते हैं और इसको स्क्रू को अब टाइट कर देंगे। इसके बाद हम अपना कोई भी लाइट मॉडिफायर अपनी लाइट के आगे लगा देंगे टू डिफ्यूज द लाइट। कितना इजी है ना लाइट माउंट करना। इफ यू लर्न समथिंग न्यू गिव अ थम्स अप। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। And I'll see you in the next video. Whoop!